तो अब स्टार्ट करते हैं न्यूमोकोकस। जो न्यूमोकोकस होता है वो आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कॉमन सेल या बैक्टीरियल फ्लोरा होता है, यानी कि जनरली आपके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में न्यूमोकोकस मिलेगा। ठीक है, क्लियर। उसके अलावा ये क्या कॉज करता है, तो ये कॉज करता है बच्चों में निमोनिया और ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया उसको बोलेंगे जब एयर ड्रम्स होते हैं, कान में होता है एयर ड्रम, उसमें हवा भर जाती है, तो उसको बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। क्लियर, तो लिखो इट इज अ कॉमन सेल और नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्लियर। उसके अलावा ये क्या कॉज करता है, तो इट इज कॉज निमोनिया एंड ओटाइटिस मीडिया। इन चिल्ड्रन क्लियर। उसके अलावा इसमें बाइल सॉल्युबिलिटी दिखती है और ऑप्टोचिन सेंसिटिव होता है। उसके अलावा इसका जो कैप्सूल है वो पॉलीसेक्राइड्स का बना होता है। पॉलीसेक्राइड्स क्या होती है, इट इज बाइल सॉल्युबल ऑप्टोचिन सेंसिटिव एंड पॉलीसेक्राइड कैप्सूल। इसका पूरा नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनाई। कैसा होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है, और डिप्लोकोकाई होता है, यानी कि दो एक साथ रहेंगे। फर्स्ट स्ट्रेफाइलोकोकस क्लस्टर फॉर्म में ग्रेप के गुच्छे के रूप में प्रेजेंट था, स्ट्रेप्टोकोकस चैन फॉर्म में पायोजेनस, और ये डिप्लोकोकाई। क्लियर। फ्रेम या लेंसलेट शेप के होते हैं। अगर तुम जनरली कैंडल जलाते हो तो ऊपर की तरफ फ्लेम आती है उस शेप में, फ्लेम और लेंसलेट शेप। ठीक है। उसके अलावा ये कैप्सुलेटेड होता है, जैसा कि अपन ने बताया पॉलीसेक्राइड कैप्सूल। तो कैप्सूल के लिए अपन इसमें लगाते हैं इंडिया इंक प्रिपरेशन। या फिर निग्रोसिन
स्टेनिंग। क्लियर। उसके अलावा ये नॉन मोटाइल नॉन स्पोरिंग होते हैं। नॉन स्पोरिंग कैप्सुलेटेड और 1 माइक्रॉन इन डायामीटर, यानी इनका व्यास कितना होता है, ओवल है ना शेप में, तो व्यास क्या होगा इनका, 1 माइक्रॉन। ये बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूमोकोकस। अब इसका पैथोजेनेसिस, फर्स्ट ये कॉज करता है निमोनिया, निमोनिया में ये दो टाइप के निमोनिया कॉज करेगा, लोबार निमोनिया और ब्रोंको निमोनिया। अब फर्स्ट अपन पढ़ेंगे लोबार निमोनिया। तो लोबार निमोनिया को नॉन सेगमेंटेड निमोनिया या फोकल नॉन सेगमेंटेड निमोनिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लोब्स बन जाते हैं। कभी एक्सरे करते हैं, निमोनिया का एक्सरे देखा है, उसमें लोब बने हुए होते हैं, अगर लोबार निमोनिया होता है। इसको टिपिकल निमोनिया भी कहते हैं, ठीक है। और एक होता है एटिपिकल निमोनिया, जिसमें सिर्फ ब्रोंको निमोनिया होता है। ये किससे होगा? कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में आपको ब्रोंको निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। क्लियर। यानी कि पूरा का पूरा जो फ्लूड है वो तुम्हारे लंग्स में भर जाएगा, लोबार का मतलब लोब्स बन जाएंगे। किसमें? इसका एक्सरे यहाँ दिखेगा। उसके अलावा ये कॉज करता है मेनिनजाइटिस, यानी कि गर्दन तोड़ बुखार। एक बार मैंने जब फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया लिखाया था तो एक बार मेंशन किया था गर्दन तोड़ बुखार बच्चों में होता है, जो कॉज करता है नाइजीरिया मेनिनजाइटिस। तो सेकंड नंबर पे ये आता है निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया, जो बच्चों में क्या कॉज करता है, मेनिनजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार। एक्सरे
कनेक्ट ही तो है। नेक्स्ट टाइम बेटर लक। ठीक है, तो लोब बने हुए दिखेंगे ऐसे, एक्सरे देखोगे ना ऐसे लोब दिखेंगे, पर्टिकुलर लोब बने हुए दिखेंगे या कंपार्टमेंट सेगमेंट दिखेंगे। ठीक है, हटा दूं इसको। तो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे लोबार निमोनिया। लोबार निमोनिया को बोलते हैं नॉन सेगमेंटेड निमोनिया या फिर फोकल नॉन सेगमेंटेड निमोनिया। ठीक है, लोब फॉर्मेशन देखा जाता है इन एक्सरे। सेकेंड अपन पढ़ते हैं ब्रोंको निमोनिया। सीन इन वायरल इन्फेक्शन एटिपिकल निमोनिया स्केंटी कफ एंड लो ग्रेड फीवर। क्लियर, ब्रोंको निमोनिया के बाद अपन इसमें सेकेंड नंबर पे निमोनिया के बाद अपन पढ़ेंगे मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस क्या होता है, जो आपकी ब्रेन की तीन लेयर्स होती है, मेनिनजेस होती है, ड्यूरामीटर, आर्किनोइड और पायामीटर, उनका इन्फ्लामेशन। ऑफ मेनिन जी, ठीक है, क्लियर। एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसके अलावा इसमें ये बच्चों में सेकंड मेनिनजाइटिस कॉज करने वाला बैक्टीरिया है, फर्स्ट होता है नाइजीरिया मेनिनजाइटिस जो अपन कल पढ़ेंगे। सेकेंड मेजर बैक्टीरिया टू कॉज मेनिनजाइटिस। ठीक है, उसके अलावा ये अदर इन्फेक्शन कॉज करता है, एम्फाइमिया एंडोकार्डियाइटिस
ओटाइटिस मीडिया, साइनसाइटिस, साइनसाइटिस का मतलब बताया था क्या होता है, साइनसाइटिस क्या होता है, जो नाक की बूंद होती है वो लंबी हो जाती है जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है, साइनसाइटिस। ओटाइटिस मीडिया यानी कि ईयर का इन्फेक्शन, ईयर ड्रम के अराउंड हवा भर जाएगी, क्लियर। एम्फाइमिया यानी कि जो आपके लंग्स है उसमें लिक्विड भर जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एंडोकार्डाइटिस यानी कि आपके कार्डियाइटिस वर्ड क्या डिनोट करता है, हर्ट को, तो आपके हर्ट का इन्फेक्शन, क्लियर। तो ये पैथोजेनेसिस है न्यूमोकोकस की। अब इसके बाद अपन करेंगे इसकी एलडी, बताओ स्पेसिमेन क्या क्या लेंगे, स्पेसिमेन क्या क्या लेंगे, सीएसएफ क्यों ले रहे, सीएसएफ मेनिनजाइटिस, ब्लड, यूरिन और स्पूटम या ब्रोंकियल लावीज, ठीक है। फिर इसके बाद इसका कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन, इसराइल कंटेनर में लेंगे सैंपल।